हाय हेलो सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही अपने बालों को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने बालों में से सारे टैंगल्स को रिमूव करना है। और अब मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई हेयर मिस्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही थोड़ी सी एलोवेरा जेल ली है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है और इसे जस्ट अपने लेंथ पे ही अप्लाई करना है। आपको एलोवेरा जेल को अपनी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, जस्ट अपनी लेंथ पे, और बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगे तो आपके बाल चिपचिप करने लग जाएंगे। अच्छी तरह से इसे अपने बालों पर मिक्स कर लीजिए। तो अब मैंने अपने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और एक पार्ट को, एक हिस्से को मैंने एक क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर लेना है, ताकि जब मैं अपनी स्ट्रेटनिंग करूं तो ये वाले बाल मुझे डिस्टर्ब ना करें। दूसरी साइड भी मुझे ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स, हमें स्ट्रेटनिंग ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए क्योंकि इससे बाल डैमेज होते हैं। मेरे बाल नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हैं तो मैं बहुत ही कम इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप बार बार इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बार में आपके बाल स्ट्रेट नहीं हो रहे तो आप दोबारा कर सकते हैं। यही मेथड आपको पूरी स्ट्रेटनिंग में यूज़ करना है।
फ्रेंड्स, मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। अब मुझे अपने बालों पे सीरम अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्स का हेयर सीरम यूज़ किया है। इससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। ये देखिए, जस्ट थोड़ा सा आपको लेना है और अपनी जस्ट लेंथ पे इसे अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। आपको मेरे बालों में डिफरेंस साफ पता लग रहा होगा कि पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ थे और अब मेरे बाल कितने ज़्यादा सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट लग रहे हैं। और स्ट्रेट बाल स्ट्रेट करने से इनकी लेंथ में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये हेयर स्ट्रेटनिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।